सब्सक्राइब कीजिए प्रॉपर्टी फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए जिससे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी फॉर यू यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 3 BHK का इंडिविजुअल हाउस। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे रोड वगैरह सभी चीज़ें आपको जो है मिल जाती है इस घर के सामने। और साथ ही साथ इस घर का सारा डिटेल्स जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। और विजिट के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं घर। तो सबसे पहले इंटर करते ही आपको आपका पोर्च एरिया देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर में आपको वुडन फिनिश के साथ जो है फॉल सीलिंग का वर्क देखने को मिल जाता है। साथ ही इधर राइट साइड में जो है आपको थोड़ा सा जो है स्पेस देखने को मिल जाता है वेंटिलेशन वगैरह के लिए, जो है यह स्पेस आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको मॉस्किटो पैनल वाली जो डोर वो देखने को मिलती है। इंटर करते ही सबसे पहले आपका हॉल आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको सामने वेंटिलेशन के लिए बड़ी सी विंडो देखने को मिल रही है। साथ ही ऊपर खूबसूरत सा फॉल सीलिंग, और यहाँ आप जो है वॉल में देख सकते हैं पूरा वॉलपेपर का वर्क आपको इस हाउस में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके हॉल को और एक अच्छा लुक दे देता है। साथ ही यहीं पे आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए स्टेयर्स भी आपको यहां से मिल जाता है। तो फर्स्ट फ्लोर में हम बाद में जाएंगे, पहले देखते हैं ग्राउंड फ्लोर में आपको क्या क्या मिलता है। तो अभी हम चलते हैं हमारे पहले बेडरूम की तरफ। तो ये हमारा पहला बेडरूम है, जहाँ पर आपको स्पेसियस बेडरूम देखने को मिल जाता है। साथ ही इस बेडरूम में आप सामने देख सकते हैं वॉलपेपर का वर्क देखने को मिल रहा है, और ऊपर आपको फॉल सीलिंग देखने को मिल जाती है। इस बेडरूम में भी वेंटिलेशन के लिए आपको एक विंडो देखने को मिल रही है। बेडरूम के जस्ट बाजू में आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, यहाँ पे आपका वॉश बेसिन फिट हो जाएगा। और ये है आपका कॉमन वॉशरूम, जो कि आपको हॉल से अटैच मिल रहा है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं किचन की तरफ। तो ये हमारा किचन है, और ये जो किचन है दोस्तों, आपको पूरा मॉड्यूलर किचन करके दिया जाएगा। अभी तो ये फिलहाल नॉर्मल किचन है, जब आपको हैंडओवर किया जाएगा तो मॉड्यूलर किचन के साथ आपको मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आप यूटिलिटी स्पेस देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको पर्सनल बोर की भी फैसिलिटी मिल रही है। तो अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेयर्स में जो है आपको पूरी लाइट लगी हुई मिल जाती है, और यहाँ पे भी आपको छोटा सा स्पेस जो है मिलता है। फर्स्ट फ्लोर में पहुँचते ही आपको सामने जो है आपको काफ़ी अच्छा वॉलपेपर का वर्क देखने को मिल जाता है। ये भी आपको एक छोटा सा लिविंग एरिया मिल जा रहा है, यहाँ पे भी आप सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो ये है हमारा सेकेंड बेडरूम, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वॉलपेपर का वर्क आपको वॉल में देखने को मिल जाता है। साथ ही ऊपर आपको फॉल सीलिंग का वर्क, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी आपको विंडो मिल जाती है। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ जो है आपको अटैच वॉशरूम भी मिल रहा है। तो ये आपका अटैच वॉशरूम है, यहाँ पे अभी फिटिंग्स वगैरह जो है बाकी है, तो वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और इस बेडरूम के साथ जो है आपको अटैच छोटा सा बालकनी भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको ग्लास की रेलिंग देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी मजबूत क्वालिटी की ग्लास यहाँ पे यूज़ की गई है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। तो ये है हमारा थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम में भी अगेन आपको जो है वॉलपेपर का वर्क और ऊपर फॉल सीलिंग देखने को मिल जाता है। साथ ही इस बेडरूम के साथ भी जो है आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है, और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे बड़ी बड़ी विंडोज़ भी आपको प्रोवाइड की गई है। तो ये है हमारा अटैच वॉशरूम, यहाँ पे भी फिटिंग जो है भी बाकी है। तो ये तो था हमारा बेडरूम। अब हम चलते हैं हमारे टेरेस की तरफ, और ये आपको यहाँ पे जो है छोटा सा ओपन स्पेस देखने को मिल जाता है, आप इसे यूटिलिटी एरिया की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और यहीं से जो है हमारे टेरेस के लिए स्टेयर्स जाती है। तो अभी हम चलते हैं हमारे टेरेस पे और देखते हैं कि टेरेस से आसपास का लोकेशन कैसा है। आप अगर इस घर में विजिट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए घर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।